जी नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक पत्रकार दिवेश चौधरी जी के साथ। कवि भी हैं। हम लोग की बातचीत का जो विषय है वो है कि उसने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को हृदयहीन क्यों कहा, क्योंकि जिस किताब पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस किताब के शुरुआती शब्द ही हैं उसने। तो उसके पहले हम लोग बातचीत शुरू करें तो एक जगह राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं, महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं बाबा साहब के बारे में कि धनी माता पिता के घर में जन्म लेकर धनाढ्य होना या विद्वान माता पिता के यहाँ जन्म लेकर विद्वान बन जाना उतनी प्रशंसा और गरिमा की बात नहीं जितनी कि दरिद्र परिवार में जन्म लेकर लखपति बन जाना या दरिद्र माता पिता के यहाँ जन्म लेकर प्रकांड पंडित हो जाना। इसीलिए मैं गणिक गर्भ संभूत महावशिष्ठ और धीमर कन्या सतपति नंदन भगवान वेद व्यास को जितना आदरणीय समझता हूँ उतना जैमिनी और पतंजलि को नहीं। हिंदू समाज में अस्पृश्य समझे जाने वाले विद्या प्राप्ति का अधिकार न रखने वाले निर्धन और दलित शोषित परिवार में जन्म पाकर अपने अतुल पौरुष और तितिक्षा के प्रताप से विद्या बारिधि और लखपति बन जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति किस गुणग्राही और सत्यभक्त सहृदय मनुष्य में श्रद्धा और आदर बुद्धि उत्पन्न न होगी। कहने को कहा जाता है कि विद्वान सर्वत्र पूज्य, परंतु वर्ण धर्म की मदिरा में उन्मत्त हिंदू समाज ने क्या इस अद्वितीय विद्वान की यथोचित पूजा की? क्या मालवीय और पंत के बराबर उन्हें सम्मान दिया? स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता को तंग आकर मंत्री पद का त्याग करना पड़ा। क्या यही कद्र है जो हिंदू समाज में इस परम विद्वान तपस्वी की गई? एक दूसरा उदाहरण छोटा सा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ठीक ही कहा कि बुद्धिमान शूद्र सरदार पटेल उच्च वर्गीय जवाहरलाल नेहरू से बहुत महान थे। जी बताएं। आपने राहुल सांकृत्यायन जी को कोट किया है, और राहुल सांकृत्यायन भी, जैसा कि आपको पता है, कि बाबा साहब अंबेडकर से उनकी 2 बार मुलाकात हुई थी। एक बार वह उनके निवास स्थान पे मिलने गए हुए थे और दूसरी बार उनकी काठमांडू में बौद्ध सम्मेलन में मुलाकात हुई थी। तो राहुल सांकृत्यायन की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किन परिस्थितियों में संविधान को हमारे सामने प्रस्तुत कर पाए, किन परिस्थितियों में उन्होंने शिक्षा हासिल की, किन परिस्थितियों में, वह एक तरफ जो आजादी का आंदोलन चल रहा था और उससे बड़ा सवाल जो था वो दलितों की मुक्ति का सवाल था। एक बृहत्तर समुदाय, बहुजन समाज के आजाद भारत में क्या स्थिति होगी, उसकी मुक्ति का सवाल था। यानी बाबा साहब अम्बेडकर के जो सवाल थे वो आजादी की लड़ाई में जो सवाल उठाए जा रहे थे उन सवालों से ज्यादा बड़े सवाल थे जो मानीखेज रख, और हम सब देख रहे हैं इस बात को कि चाहे राहुल सांकृत्यायन की हम बात करें, चाहे हम गांधी की बात करें, चाहे हम डीडी कौशाम्बी की बात करें, चाहे हम मदन तारे की बात करें, चाहे हम उन बाबा साहब अम्बेडकर, कहीं ना कहीं वो जो है इतिहास की निर्ममता का शिकार हुए हैं। इतिहास कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के साथ निर्मम रहा है, और जिस तरह उच्च वर्ण होने के नाते कहना चाहिए कि महापुरुषों को मिला वह स्थान जो है इतिहास दे पाने में नाकाम रहा बाबा साहब अम्बेडकर का। और मैं निर्मय जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया में सर्वाधिक उनकी मूर्तियां भी ध्वस्त की जाती हैं, बाबा साहब अम्बेडकर पर सबसे ज्यादा मालाएं भी चढ़ाई जाती हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर पे सबसे ज्यादा गुस्सा भी उतारा जाता है। इसके पीछे
के जो समाजशास्त्री कारण है उनको हमें समझना होगा कि आखिर क्या कारण है कि जो जीवित अंबेडकर से ज्यादा मृत अंबेडकर इनके लिए एक डरावना स्वप्न हो चुके हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जीते जी जितना इनके लिए घातक थे उससे ज्यादा घातक अब हो चुके हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा जो है दूर दूर तक फैल रही है। और यही कारण है कि कुछ तथाकथित इतिहासकार अपने इतिहास बोध को इतना बचकाने तरीके से व्यक्त करते हैं कि जब किताब लिखते हैं कि उसने गांधी को क्यों मारा, तो वहां सवाल यह उठता है कि हम नाथूराम गोडसे जो गांधी के हत्यारे थे, जो गांधी की हत्या को संघ पोषित लोग बध कहते हैं, जिस तरीके से सम्बुक बध हुआ, जिस तरीके से बृहद्रथ बध हुआ, उसी तरीके से वो गांधी को बध बताते हैं, तो यानी उसको एक शास्त्र सम्मत ठहराने की कोशिश करते हैं, उसको एक शास्त्रीयता प्रदान करते हैं। बहरहाल, तो धनंजय कीर की किताब मेरे सामने है, धनंजय कीर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन, ये आपके समक्ष। और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक था डॉक्टर एक था संत, ये जो है अरुंधति राय की किताब भी है। भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जो क्रिस्टोफ जाफरेलो ने लिखी हुई है वो भी है। और इसके अलावा ये जो है सुरेंद्र अज्ञात, जिनका रेफरेंस लिया गया है, उनका गांधीवाद किताब है जो कि बुद्धिस्ट पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड जालंधर से छपी थी। तो निर्वे जी, इन तमाम चीजों को देखने के बाद, अवलोकन करने के बाद, इसके अलावा गेल ओम्बेट की किताब भी मेरे पास है, जिसने ये किताब लिखी उसने गांधी को क्यों मारा, उसकी किताब भी मेरे पास है। और इसके अलावा माई साहब ने, डॉक्टर सविता अंबेडकर ने, डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में, ये किताब भी जो है मैं रखा हुआ हूं। इन तमाम चीजों में देखने के बाद एक चीज स्पष्ट होती है, जो कि आपने शुरू के प्रकथन में किया कि ना तो धनंजय कीर ने, ना ही किसी बाबा साहब अंबेडकर के अन्य जीवनीकार ने, ना ही सुरेंद्र अज्ञात ने, ना ही एल आर वाली ने, ना ही राहुल शंकरत्यायन ने, किसी ने भी बाबा साहब अंबेडकर को हृदयहीन नहीं कहा। लेकिन यह हृदयहीन जो बात कही गई है, यह एक सोची समझी रणनीति के तहत की गई है कि किस तरीके से हमको एक इतिहास पुरुष का चरित्र हनन करना है। दरअसल यह चरित्र हत्या अभियान जो गैंग है उसके जो सुपारी किलर किलर हैं उनके द्वारा यह पूरी तैयारी की जा रही है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कुछ प्रकाशक भी इसमें शामिल हैं, कुछ लेखक तो शामिल है ही, और पर्दे के पीछे वो ताकतें भी शामिल हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इतिहास में खलनायक सिद्ध करने के लिए दशकों से लगी हुई हैं, जिसमें उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ये बात है निर्भय जी के बाबा साहब अंबेडकर को हृदयहीन क्यों कहा गया, हम उसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो ज्यादा उचित रहेगा कि जब गांधी की हत्या होती है एक आजाद भारत के पहले हत्यारे नाथूराम गोडसे के द्वारा, और जब गांधी की हत्या होती है तो उस हत्या से बहुत विचलित होते हैं बाबा साहब अंबेडकर, और जब बाबा साहब अंबेडकर अपनी पत्नी सविता ताई अंबेडकर को एक चिट्ठी लिखते हैं, और वो चिट्ठी क्या है मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। ये जो जी है मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर के निजी सहायक रहे नानक चंद रत्तू, नानक चंद रत्तू जी की एक किताब है रेमिनिसेंसेज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, और ये किताब का पृष्ठ क्रमांक 63 और 64, 63 एंड 64, उसमें ये अंग्रेजी में उन्होंने चिट्ठी लिखी, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये मराठी और अंग्रेजी में उपलब्ध है चिट्ठी। ऑन February 8, 1948, यानी 8 फरवरी 1948, ऑन रिसीव ऑफ ए लेटर फ्रॉम हिज फियांसी सावित्री सविता कबीर मेकिंग ए मेंशन फॉर गांधी एसोसिएशन, जिसमें वो ये कहते हैं कि इस तरीके का जो कृत्य किया गया, जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, और वह निश्चित रूप से अक्षम्य कृत्य है, और इसको इसकी जितनी भी कटु निंदा की जाए, जितनी इसकी घोर निंदा की जाए, यह गोष्ठी अपने वर्क है, यानी यह पैसाचिक कृत्य है, इस पैसा की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। और यह निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर स्ट्रांगली कंडेम द गोष्ठी मर्डर ऑफ गांधी, यह पूरा का पूरा वो है पत्र जो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऑन February 8, 1948, ऑन रिसीव ऑफ ए लेटर फ्रॉम हिज फियांसी सविता कबीर मेकिंग ए मेंशन फॉर गांधी
एसोसिएशन डॉक्टर अंबेडकर स्ट्रांगली कंडेम द गोष्ठी मर्डर ऑफ गांधी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो पैसाचेक हत्या की गई थी गांधी जी की नाथूराम गोडसे के द्वारा, उसको उन्होंने एक पैसाचेक कृत्य माना और उस पर काफी खेद व्यक्त किया। यह नानक चंद्र तू की किताब का रेफरेंस है। और उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक का जो लेखक है, जो तथाकथित इतिहासकार है, वो रेफरेंस किससे ले रहा है, वो रेफरेंस ले रहा है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात से। अब डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात कौन थे आप समझ लीजिए, डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जो है एल आर वाली जो समता सैनिक दल के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से भेंट करने का उनको अवसर प्राप्त हुआ है, ये उनके समधी हैं। और भीम पत्रिका पब्लिकेशंस चलाते हैं, भीम पत्रिका उनकी मैगजीन है जो पंजाबी हिंदी में निकलती है, और वह उनको अपना स्रोत उपलब्ध कराते हैं, और उन स्रोतों के हवाले से जो है ये तथाकथित इतिहासकार जो है ये साबित करता है कि बाबा साहब अम्बेडकर हृदयहीन थे, कि जिन्होंने उनको संविधान सभा में भेजा, जिन गांधी ने, और उस गांधी के प्रति इस तरीके की कृतज्ञता, ये तो आश्चर्यपूर्ण बात है। तो पेज क्रमांक 157-158 में जो राजकमल प्रकाशन से छपा हुआ है, उसने गांधी क्यों मारा, उसमें इस तरीके की बातें की गई है। अब मैं आता हूं दूसरे पहलू पे, बहुधा इस तरीके की बातें प्रोफेसर रामचंद्र गुहा के द्वारा भी कही गई है और अन्य गांधीवादियों के द्वारा भी और कांग्रेसियों के द्वारा भी ये बात कही जाती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में पहुंचाने का काम जो है गांधी जी ने किया है। तो निर्भय जी, मैं कुछ तथ्यों आपके समक्ष रखना चाहूंगा, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल को भी बिलोंग करते हैं और आपको पता होगा कि बॉम्बे से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हराने के बाद संविधान सभा में पहुंचने के जब सारे रास्ते बंद कर दिए गए, तो ऐसी स्थिति में जो महाप्राण जोगिंद्रनाथ मंडल हैं, जो मुस्लिम लीग से ताल्लुकात रखते थे और बंगाल के नमू सूद्राए थे, तो उन्होंने जो है अपने यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी सीट रिक्त करके चुनाव लड़वाया। और आपको पता होगा कि जैसोन खुलना में उन्होंने जो है बाबा साहब अम्बेडकर को निर्वाचित करके पहुंचाया, उसमें नमू सूद्राए दलित समाज के मुस्लिम समाज के लोगों ने उनको अपना वोट दिया और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे। लेकिन साजिश वहां भी नहीं रुकी। आप ये देखिए कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है तो 50% हिंदू आबादी जो है खुलना में थी, जैसोन खुलना में, लेकिन उसको जो है पाकिस्तान में मिला दिया गया और मुर्शिदाबाद जो पाकिस्तान में जाने वाला था, उस मुर्शिदाबाद को जहां 50% मुस्लिम आबादी थी उसको भारत में ले लिया गया। इसके पीछे क्या षड्यंत्र था आप समझिए, उसके पीछे षड्यंत्र यह था कि वह तत्कालीन पाकिस्तान जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं, उसमें वो जब मिला दिया गया तो बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिनिधित्व भीहीन हो गए। अब समस्या यह पैदा हो गई कि अब वो संविधान सभा से फिर बाहर हो गए, अब उनको संविधान सभा में पहुंचाया कैसे जाए ये। और उस समय बीजी खेर जो तत्कालीन मुंबई के प्रधानमंत्री थे, बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे, उनने और कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह तय कर लिया था कि बाबा साहब अम्बेडकर को किसी भी तरीके से संविधान सभा में नहीं पहुंचने देना है। तो इस तरीके के अगर कोई बात करता है तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में किसी की मेहरबानी नहीं पहुंचाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस समय तक एक किताब लिख चुके थे, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, जिसके मुरीद कई कांग्रेसी भी थे, और परिस्थितियां ऐसी थी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है मंत्रिमंडल की एक सूची उपलब्ध कराई थी नेहरू को, और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का बकायदा नाम था। परिस्थितियां उस तरीके की हो चुकी थी कि किसी भी कोई व्यक्ति इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था। तब परिस्थितियों ने और बाबा साहब अम्बेडकर की विद्वत्ता ने, बाबा साहब अम्बेडकर की कानून के प्रति समझ, उनका विशद ज्ञान ने वो परिस्थितियां निर्मित की कि उनको संविधान सभा में लेने की मजबूरी हो गई और एमआर जयकर से इस्तीफा दिला के फिर जो है उनको संविधान सभा में लाया गया। वरना उस समय की कांग्रेस और उस समय का कांग्रेस नेतृत्व यह चाह रहा था कि जीवी मावलंकर को जो है संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाए, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर होंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होंगे। लेकिन जब परिस्थितियां इस तरीके की बनी और जब अंग्रेजों का दबाव पड़ा और मुस्लिम लीग के साथ जो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, उन्होंने कहा कि हम ये विभाजन की तारीख को जो है टाल देंगे और बाद में फिर आपके लिए अनेक दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, तो जब इस तरीके का दबाव पड़ा कि पहले से ही कांग्रेस अनेक समस्याओं से जूझ रही थी, वह और तनाव लेने की स्थिति में नहीं थी, तब राजेंद्र प्रसाद जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एमआर जयकर से इस्तीफा दिलाया और जीवी मावलंकर को बोला कि हम आपको किसी अन्य जो सीट रिक्त होगी हम वहां से आपको निर्वाचित कर लेंगे, और फिर बाबा साहब अम्बेडकर को जो है संविधान सभा में लाया गया
और संविधान सभा में लाने के बाद इतिहास गवाह है कि उनका काम किस तरीके का रहा है यह बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस तरीके की बात जो कि उसने गांधी को क्यों मारा किताब में उल्लेख किया गया है कि वह हृदयहीन व्यक्ति जो गांधी जी ने जिसको संविधान सभा में लेके आए उनके प्रति इस तरीके की कृतज्ञता का परिचय दिया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में किसी की मेहरबानी से नहीं आए थे, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और तात्कालिक परिस्थितियों और अपने कानून के विशद ज्ञान के बलबूते वहां पर संविधान सभा में पहुंचे थे। यह और बात है कि उन्होंने अपने चयन को सार्थक सिद्ध किया और जिस तरीके से मेहनत के साथ उन्होंने जो है भारत का संविधान दिया वह अपने आप में जो है एक दुनिया की एक बहुत बड़ी फिनोमिना है और उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जी, जी उस सुरेंद्र अज्ञात की जो किताब है उसके कुछ अगर आप विवरण देना चाहें तो दें। जी सुरेंद्र अज्ञात की किताब है जिसमें सुरेंद्र अज्ञात की किताब में आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जिसमें यह कहा गया है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी पत्नी सविता अंबेडकर को चिट्ठी लिखी जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया कि ये वो सिसरो का प्रसंग आता है निर्भय जी उसमें कि यूनान में जब जूलियस सीजर को मारा गया और यह खबर सिसरो तक पहुंची तो सिसरो ने यह कहा कि अरे जूलियस सीजर मारा गया तो उस समय वो प्रसंग आता है कि ब्रूटस ने जब सीजर की हत्या की और बाद में फिर उसमें बुलाया जाता है जूलियस सीजर की हत्या के बाद जब राज्याभिषेक होता है और उसमें सिसरो जाते हैं तो वहां सिसरो ये कहते हैं कि काश कि मैं भी इस कृत्य में शामिल होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो ये जो प्रसंग दिया गया है ये प्रसंग इस बात का था इसका बाबा साहब अम्बेडकर की गांधी की हत्या पर मतलब एक मराठी हत्यारा है इसलिए अफसोस व्यक्त करना और उस हत्या को न्यायोचित ठहराना ये कहीं भी सुरेंद्र अज्ञात की किताब में भी तक नहीं दिया हुआ है ना सुरेंद्र अज्ञात की किताब में इस तरीके का मेरे समक्ष ये रखा हुआ है। निर्भय जी आप देखिए पूरा रेफरेंस मैं दे रहा हूं इसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं आता है कि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर ने इस हत्या पे प्रसन्नता व्यक्त की और यह कहा कि इतिहास ने न्याय किया है और अपने चलो ये भी ठीक हुआ लेकिन अफसोस इस बात का है कि हत्यारा मराठी था ये बात तो कहीं है ही नहीं इसमें जिस तरीके का उसने गांधी को क्यों मारा किताब में उल्लेख आता है। तो ये पूरी तरीके से तथ्यों को काट के तथ्यों को टोड़ मरोड़ के पेश किया गया जैसे पूर्व में भी मैंने आपने जब मेरा साक्षात्कार लिया था तो मैंने आपको इन्हीं सब चीजों के बारे में बताया था। मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूँ कि सुरेंद्र अज्ञात की ये किताब है और इस किताब का जो रेफरेंस लिया गया है इसमें कहीं भी इस तरीके का उल्लेख नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस हत्या पे जो है किसी भी तरीके का जो है प्रसन्नता व्यक्त की हो बल्कि उनको अफसोस था और वह पैर में तकलीफ होने के बावजूद भी वो पैदल पैदल गए अंत्येष्टि स्थल तक गए वो और अंत्येष्टि स्थल पर जब भीड़ देखी उन्होंने तो वो लौट आए। उसके बाद जब जहां गांधी जी का शव रखा हुआ था वहां पर भी वो गए बिड़ला हाउस भी वो गए और बकायदा उनको जब ये पूरी जानकारी लगी तो वो खुद जाते हैं वहां पे और वो जब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उनको चलने में चूंकि दिक्कत होती है इसलिए वो वहां से लौट आते हैं और उन्होंने ये तक कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ ये जो कृत्य है इसको ये अक्षम्य अपराध है और इसको बाद आप इस तरीके से गलत तरीके से इतिहास को टोड़ मड़ो के पेश करना किसी भी संदर्भ को अपनी सुविधा अनुसार कोट करना मैं समझता हूं यह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बदमाशी है और यह धूर्तता है। इस धूर्तता की जितनी भी निंदा की जाए कम है इसलिए मैं नाम लेके कहना चाहूंगा कि अशोक पांडे जो है अरुण शौरी का एक सस्ता साहित्यिक संस्करण है और इतना सस्ता साहित्यिक संस्करण आज तक नहीं देखा गया है। इवन इरफान हबीब ने भी बाबा साहब अंबेडकर की आलोचना की है कि आजादी के आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं था जिन पर वामपंथी लहालोट रहते हैं लेकिन इस तरीके का घटिया आरोप कमर से नीचे का आरोप लगाने का काम ना सुरेंद्र अज्ञात ने किया ना इरफान हबीब ने किया जो कि यह नए नए उगे उगे इतिहासकार के द्वारा किया गया है। ये इसलिए यह बाबा साहब अंबेडकर के प्रति मैं समझता हूँ के बहुत बड़ा अपराध है। और मैं बताना चाहूंगा आपको ब्रिटिश लेखक जो पैट्रिक फ्रेंच है पैट्रिक फ्रेंच की किताब है जो मेरे समक्ष रखी हुई है ये है तो इसमें जो है पैट्रिक फ्रेंच की किताब का नाम है लिबर्टी और डेथ है और डिवीजन ऑफ इंडिया। इसमें भी वो ये बात कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में गए हुए थे किसी के द्वारा भेजे नहीं गए थे और इतिहास ने उनके साथ बड़ा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया तत्कालीन कांग्रेस और तत्कालीन नेताओं ने उनके अपने लोगों ने भी उनको अकेला छोड़ दिया था। ये सारे रेफरेंस इस किताब में आते हैं तो
इस तरीके की ये बात करना मैं समझता हूं कि बहुत गलत बात है। और उसमें बताया पैट्रिक फ्रेंच ने कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर भारत की आजादी तक महात्मा का एक सूत्री एजेंडा यह सुनिश्चित करना था कि कांग्रेस और ब्रिटिश डॉक्टर अंबेडकर को नेपथ्य में ढकेल कर किसी भी तरह की मुख्य धारा में प्रवेश न करने दें। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब स्टेट एंड माइनॉरिटीज लिखकर ही अपनी प्रतिभा को कई कांग्रेसियों से चमत्कृत एवं विकसित कर दिया था। इसके अलावा मैं निर्भय जी बताना चाहूंगा आपको कि बेलियन रोड्रिग्स ने भी अपनी पुस्तक लिखी है द एसेंशियल राइटिंग्स ऑफ बी आर अम्बेडकर। उसकी भूमिका में वो इस विषय पर भी लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति गांधी के सदस्य ही भूमिका की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। और सुरेंद्र अज्ञात की जिस किताब का वो स्रोत दे रहा है तथाकथित इतिहासकार, उस किताब का नाम है लेटर्स ऑफ अंबेडकर और वो मेरे सामने रखी हुई है जिसका पेज नंबर 169-170 है और दूसरा संस्करण है वो, और जनचेतना पब्लिकेशन जालंधर से वो प्रकाशित हुई है जिस मैंने बताया था आपको, जो कि एलआर वाली का पब्लिकेशन है। और उसकी विश्वसनीयता, सुरेंद्र अज्ञात बाबा साहब अंबेडकर से कभी मिले नहीं थे, सुरेंद्र अज्ञात ने बाबा साहब अंबेडकर से कभी भेंट नहीं की थी और उनकी जानकारी का स्रोत जो है वो एलआर वाली है और उस समय के कुछ सुनी सुनाई बातें हैं। सुनी सुनाई बातों को एक तथाकथित इतिहासकार के द्वारा उसका इतिहास बोध देखिए कि उसने ये बता दिया कि बाबा साहब अंबेडकर जो है हृदयहीन थे। बाबा साहब अंबेडकर ने सिसरो ब्रूटस के और जूलियस सीजर के उदाहरण के माध्यम से यह बता दिया कि गांधी की जो हत्या थी वह उसको उसको आपने एक नैसर्गिक और आपने उसको एक अनिवार्य हत्या बता दिया और यह बता दिया कि बाबा साहब अंबेडकर उस हत्या से खुश थे। मैं समझता हूं कि संगी भी इस हद तक नहीं गिर सकते जिस हद तक ये तथाकथित इतिहासकार गिरा हुआ है। एक और मैं माफी चाहता हूं, एक बात और आपसे बताना चाहूंगा निर्भय जी, कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जो निजी सचिव रहे नानक चंद्र रत्तू, उनकी किताब ही सबसे विश्वसनीय स्रोत है जो रेमिनिसेंसेज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, जैसा कि जिसका मैंने आपको उल्लेख किया था, पेज 63-64 और 8 फरवरी 1948 को वो सविता अंबेडकर जी को जो चिट्ठी लिखते हैं उस चिट्ठी का मैंने आपको वाचन करके बताया। और वह बाबा साहब अंबेडकर के साथ आखिरी समय तक रहे सोहनलाल शास्त्री हैं, अपने नानक चंद्र हैं, इन सविताताई अंबेडकर हैं जिनकी किताब भी हमारे समक्ष आ चुकी है बाबा साहब अंबेडकर के साथ डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में। और ये इसके जो संपादन एवं लेखन सहयोग है विजय सुरवाड़े का, अनुवाद किया है डॉक्टर अनिल गजबिये ने और लेखिका है डॉक्टर सविता भीमराव अंबेडकर। जब ये रेफरेंस हमारे सामने रखे हुए हैं तो हम यहाँ वहां के दूसरे रेफरेंस क्यों देखें, क्योंकि हम इस बात को समझ रहे हैं कि बेशर्मी देखिए, प्रकाशक की, लेखक तो बेशर्म है ही, प्रकाशक की बेशर्मी देखिए जब हम उनके सामने सारे रेफरेंसेज दे रहे हैं, इन रेफरेंसेज के आधार पर भी वो जो है अपना खंडन जारी नहीं कर रहे हैं और पत्राचार करने के बावजूद भी जो है वह इस किताब को ना तो वापस ले रहे हैं और ना इस पर खेद व्यक्त कर रहे हैं। तो ये आप मान के चलिए कि इस तरीके का जो जो लुगदी लेखन चल रहा है, इस तरीके का जो चरित्र हत्याओं का बाजार तैयार हो रहा है, ये इतिहास के साथ साथ जो है आने वाले समय के लिए बड़ा भयावह संकेत है। इससे पता तो चल रहा है कि लुगदी इतिहासकार की पसंद के कुछ और नेता हैं। इसे तो पता चल रहा है कि अगर आप बाबा साहब को हृदयहीन कहते हैं तो जी आपकी पसंद के कुछ जी और नेता हैं। उदाहरण मैं दे रहा हूं, एक किताब के लेखक हैं जी ओवर वर्डिक्ट ऑन इंडिया 1944, ये जी लेखक हैं विवरली निकोलस। ओके वो कहते हैं जी डॉक्टर जी अंबेडकर साहब भारत के 6 अति उत्तम दिमागों में से एक हैं। वह एक ऊंचे किस्म के जी राजनीतिज्ञ तथा चोटी के तत्वदर्शी हैं। उनका अभिभाषण दिल हिला जी देने वाला, प्रभावशाली और सार्थक होता है। यदि डॉक्टर साहब की तकरीर का कांग्रेस के एक साधारण कोटि के राजनीतिज्ञ की तकरीर से मुकाबला किया जाए तो ऐसे ही जैसे एक ओर बंदूक से धराधर गोलियां निकल रही हों और दूसरी ओर एक हिंदू भगवान का भजन गा रहा हो। ठीक बात है, बहुत सही कोट किया है विवरली निकोलस किताब का नाम है, के लेखक बिवरली निकोलस। जी वर्डिक्ट ऑन इंडिया जी 1944। वर्डिक्ट ऑन इंडिया, ओके जी जब आप अपनी जी पसंद के नेता को उठाने के लिए, तो सवाल है कि आजादी जी का जो आंदोलन हुआ तो आजादी के जी आंदोलन की जो भूमिका रही उसमें क्या-क्या भूमिका रही? क्या वार्षिक जी सम्मेलन को आप आजादी का आंदोलन कहते हैं या हर
वार्षिक आंदोलन के बाद कोई आंदोलन भी होता था, यह भी तो देखना होगा। अगर इन्हीं आंदोलनों में बिल्कुल बाबा साहब भी रहते तो उनकी पढ़ाई लिखाई और फिर जो संविधान आज की तारीख में 75 साल से कम इस देश को टिकाए हुए है, अंग्रेजों ने तो कहा था कांग्रेस के नेताओं को कि जी आप भी संविधान बनाओ, और एक संविधान बनाया भी बिल्कुल गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसको बाबा जी साहब ने कहा था कि ये नेहरू संविधान है। तो आखिर उस संविधान को जी रिजेक्ट क्यों किया गया, इस पर आप कुछ ठीक बोलिए। बात निर्भय जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके द्वारा उठाया गया है। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर पे अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि देश की आजादी के आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं था, और ये नहीं, एक सवाल किसी यह है कि क्या अरुण शौरी से लेकर उक्त लुगदी साहित्यकार को यह बताना नहीं चाहिए कि आजादी के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में क्या समझते हैं? वार्षिक आंदोलन बिल्कुल क्या आंदोलन है, किसी देश की बिल्कुल आजादी का आंदोलन उसको कहते हैं, बिल्कुल क्या इस पर नहीं लिखा जाना चाहिए? सिर्फ हृदयहीन शब्द क्रिएट कर देने से क्या बाबा साहब की प्रासंगिकता भारतीय संदर्भ में, भारतीय संविधान निर्माता के संदर्भ में खत्म हो जाता है? यह सब तो बताना होगा ना। आप अगर जरूरी हृदयहीन है, शब्द जरूरी है की उत्पत्ति करते हैं, आप यदि हृदयहीन शब्द की उत्पत्ति करते हैं, तो उनके योगदान को जो कि राहुल जी कह रहे हैं, राम मनोहर लोहिया कह रहे हैं, क्या उनसे ज्यादा पढ़े लिखे जानकार ये लुगदी इतिहासकार हैं? क्या इसे नहीं बताना चाहिए? क्या आखिर किन परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बाबा साहब को लेकर ऐसी ऐसी बातें, अच्छी अच्छी बातें कहीं, राम मनोहर लोहिया हो चाहे राहुल जी हो? तो क्या सिर्फ हृदयहीन कह देने से क्या ये स्थापित लुगदी इतिहासकार हो जाएंगे कि इन्होंने सबसे बड़ा डेंट किया बाबा साहब को डिफेम करने के लिए? या अरुण शौरी की भी जो किताब है, वो जिस तरह से उदाहरण देते हैं उस किताब में, उससे तो लगता है कि बाकी जो है आजादी के जो आंदोलन चल रहे थे उसमें ये लोग लगातार लाठियां खा रहे थे नेहरू से लेकर गांधी तक, और सिर्फ बाबा साहब एसी रूम में बैठ करके आराम फरमा रहे थे। ऐसी कोई बात है क्या? आपने बहुत बढ़िया मीमांसा की है इस बात की, और आपका ये सवाल कि ये तमाम चीजों को इस लुगदी साहित्यकार के द्वारा, इतिहासकार के द्वारा क्यों नहीं बताया गया, तो जो एक एजेंडा लेके काम कर रहा है जो व्यक्ति किसी का करेक्टर डेंट करने का काम कर रहा हो, हम उनसे इस तरीके की अपेक्षा और उम्मीद पाल है, तो मुझे लगता है ये अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर एक एसी रूम में बैठ के आराम फरमा रहे थे, और नेहरू गांधी और तमाम स्वाधीनता संग्राम सेनानी अंग्रेजों की लाठियां गोलियां खा रहे थे। ये रूपक, ये मेटाफर ही जो है अपने आप में हास्यास्पद हो जाता है, क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही ये बात कही थी आपसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई जो है मानव मुक्ति की लड़ाई थी। बाबा साहब अम्बेडकर दरअसल दलित मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय के आजादी के आंदोलन में दो तरह की धाराएं काम कर रही थी, एक वो जो अंग्रेजों से मिलकर देश की आजादी का विरोध कर रहे थे, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और संघ के लोग शामिल थे, और एक वो लोग थे जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और जिसमें चंद्रशेखर आजाद, नेहरू, गांधी, भगत, सुभाष चंद्र बोस, तमाम लोगों को आप शामिल कर सकते हैं। और एक तीसरी धारा और थी जो इस आजादी आंदोलन का किसी तरीके से विरोध नहीं कर रही थी, और ना ही अंग्रेजों का किसी तरीके की सपोर्ट कर रही थी। वह जो है, जब आप देश आजाद होगा तो वह जो है ट्रांसफर ऑफ पावर कहलाएगा। उस ट्रांसफर ऑफ पावर में जो है आप गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज आ जाएंगे शासन करने के लिए, तब वहां शूद्रों की स्थिति क्या होगी, अंत्यजों की स्थिति क्या होगी, असत्यों की स्थिति क्या होगी, वो सवाल का अभी निर्धारण करना बहुत जरूरी है। और रेमजे मैकडोनाल्ड जो है तत्कालीन इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये तमाम सवाल उनके सामने बाबा साहब अम्बेडकर ने रखे, और उन्होंने ये बताया कि भाई आप ये बताइए कि हमारे आज 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 आप हो तो हम लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, हमको ट्रेन में यात्रा करने का अधिकार मिला हुआ है, हमको अभिव्यक्ति के माध्यम से हम अपनी परेशानियां, अपनी दिक्कतें आपके समक्ष बता सकते हैं। तो क्या मनुस्मृति का शासन लौटाना मकसद रहेगा कि आजादी के बाद, और जब बाबा साहब अम्बेडकर से ये कह रहे थे तत्कालीन नेता लोग कि हम आपकी समस्याओं पर बाद में बात कर लेंगे, अभी हमारे सामने बड़ा सवाल है देश की आजादी का, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा रहा कि मैं प्रथम भारतीय हूं और आखिरी भारतीय हूं, मैं देश की आजादी की जब आप बात करते हो तो आपको यह बताना होगा कि उसमें हमारा स्थान कहाँ होगा, क्या क्या हम उस समय भी शोषण के शिकार रहेंगे जो कि हम मुगलों के समय में, या जो मुगलों के पहले आपके समय में शोषण के शिकार रहे और जो आज शोषण के शिकार है,
क्या हमारी बेहतरी नहीं होनी चाहिए? क्या क्या हमको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजी रोटी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? रोजगार का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ये तमाम सवाल हैं जिसपे सारे लोग बगले झांकने का काम करते थे। यही कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से, गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो हुई है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने अपने ही लोगों का सवाल किया। और ऐसा नहीं है कि उनको विरोध नहीं झेलना पड़ा, एमसी राजा जैसे लोगों से, बाबू जगजीवन राम जैसे लोगों से है, उनका उनका विरोध भी करवाया गया। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक स्थिति तो ऐसी आई कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जब चुनाव में होता है तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जो है मात्र 2 सदस्य चुन के आए। और अंग्रेजों ने यह बताने की कोशिश की तत्कालीन फिरंगी सत्ता के सामने कि देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो लोकप्रिय नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर तो चुनाव में उतरे थे और बाबा साहब अम्बेडकर अपने मात्र 2 प्रतिनिधि जिता के लाए हैं, तो उनकी बात सुनने की बजाय आप हमारी बात सुनिए। हम 80 प्रतिशतों के सही नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये तमाम चीजें थी, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने मिशन के प्रति और अपने आइडियोलॉजी के प्रति और अपने लोगों के उद्धार के प्रति जो है एक समर्पित भाव से काम कर रहे थे। उन्होंने वो तमाम चीजें रखी और उनकी बातों से जो है तत्कालीन नेतृत्व को सहमत होना पड़ा, क्योंकि वो जो सवाल वो उठा रहे थे वो मानव मुक्ति के सवाल थे, वो जो है दलितों की मुक्ति के सवाल थे कि आप हमारे आजाद भारत में हमारी स्थिति क्या होगी? आप सिर्फ अभी हम आपकी गुलामी कर रहे हैं तो क्या हम काले अंग्रेजों की गुलामी करेंगे बाद में? इतनी बड़ी आबादी को आज तक जो है किसी भी तरीके की मुख्य धारा में लाने का प्रयास क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि दलितों की आजादी के आंदोलन में योगदान नहीं था, दलित भी बढ़ चढ़ के आजादी के आंदोलन में अपना योगदान दे रहे थे और शहादत दे रहे थे और खून बहा रहे थे, लेकिन इतिहास में उनकी गिनती नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो उनको हमेशा नगण्य रखा गया है, उनको हमेशा हाशिए पर रखा गया है। तो इतिहास बोध पे तो प्रश्न चिन्ह जो है निर्वेदी उस समय भी लगा था और आज तो लगा ही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब संविधान लिखने की शुरुआत की मोतीलाल नेहरू जी ने प्रयास किया, अन्य लोगों ने प्रयास किया, एमबी कामत, एचबी कामत से भी प्रयास करवाया गया, लेकिन इनको किसी को जब सफलता नहीं मिली तो आगे आना पड़ा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। और जब बाबा साहब अम्बेडकर आए और बाबा साहब अम्बेडकर ने बकायदा पूरी मेहनत करके जो है आपको पता होगा कि जब उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, और प्रारूप समिति का जब अध्यक्ष बनाया, जब जब वह संविधान सभा में एक एक विषय पर जब विशद और विस्तृत तरीके से उसकी व्याख्या करते थे तो वहां पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था, लोग सुनते थे। कुछ लोग थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जैसे लोग, सेठ गोविंद दास जैसे लोग, हरि विष्णु कामत जैसे लोग जो बीच बीच में टोका टाकी करते थे। कोई कहता था कि गाय को जो है हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, गाय को जो है गो हत्या को प्रतिबंध लगाने के लिए उस संविधान पर की गंभीर हम स्थिति में लोग रख दिया बाद जाए, उसको में मौलिक अधिकार बना दिया जाए। उस पर हम लोग आगे संवाद जारी रखेंगे। अभी कुछ कुछ जी ये उद्धरण कोटेशन को देकर के हम लोग अपनी बातचीत खत्म करेंगे। उसमें जी नेहरू का भी, पंडित नेहरू का भी एक स्टेटमेंट सुना जाना चाहिए। जब डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू विदेशी मेहमानों को उनका परिचय इन शब्दों में कराते थे, डॉक्टर अंबेडकर इज द ज्वेल ऑफ माय कैबिनेट, मेरे मंत्रिमंडल के हीरा हैं डॉक्टर अंबेडकर। तो जो आदमी हीरा है वो हृदयहीन कैसे हो गया? जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इज ज्वेल ऑफ माय कैबिनेट, मेरे मंत्रिमंडल के हीरा हैं डॉक्टर अंबेडकर। और इतना ही नहीं, पंडित मदन मोहन मालवीय से बाबा साहब की विद्वता के बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था डॉक्टर अंबेडकर साहब सरस्वती के पुत्र हैं, उनका ज्ञान अगाध है, उनके ज्ञान की सीमा नहीं, उन्होंने अपरिमित ज्ञान के आधार पर समाज और धर्म को सुधारना चाहा है, उनके तालाब और मंदिर प्रवेश सत्याग्रहों ने ब्राह्मण धर्म की कमजोरियों को जगजाहिर किया है, वे उनमें सफल हुए। हिंदू धर्म को अगर जीवित रहना है, हिंदू धर्म को अगर जीवित रहना है तो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को मानकर चलना होगा, उनके अगाध ज्ञान की जितनी प्रशंसा की जाए वह सब थोड़ी है। सच है ये बात। और नरवे जी ये बाबा साहब अंबेडकर को अपने मंत्रिमंडल का ज्वेल मानते थे पंडित नेहरू, और इसमें भी कोई दो मत नहीं कि पंडित नेहरू जिस तरीके से तो आप उनको पश्चिमी जब सभ्यता ज्वेल को, मानते थे तो आप उनको हृदयहीन किस आधार पर कह रहे हैं? अगर मान लीजिए आपकी पसंद के चाहने वाले, अगर आप डॉक्टर ये पंडित नेहरू को अगर आप पसंद करते हैं, तो जो हीरा कह रहे हैं उनको आप हृदयहीन कैसे कह रहे हैं? समझना होगा दोनों अगर शब्दों को।
अगर 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 हम हृदयहीन नहीं कहेंगे तो निर्भय जी हमें राज्यसभा की टिकट कैसे मिलेगी? अगर हम हृदयहीन नहीं कहेंगे ना तो पहले हम किसी किसी अकादमी के अध्यक्ष वगैरह बन जाए, उसके बाद जो है वो राज्यसभा का स्वप्न और सपना देखें। हम जी लोग आगे भी संवाद आप जारी रखेंगे, किसी किसी हम आगे भी संवाद जारी जी रखेंगे, और लगातार जी उसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हृदयहीन का क्यों कहा, इस पर चर्चा जारी करेंगे। फिलहाल बातचीत के लिए नमस्कार। नमस्कार।